प्रणाम लहरा विधानसभा में हजारों की संख्या में लाडली बहनों के साथ भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भरा नामांकन, विकास को बनाया मुद्दा। निर्वाचन कार्यालय में भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह ने नामांकन जमा करने के आखिरी दिन रामबाग मंदिर आश्रम परिसर से नगर के मुख्य मार्ग से हजारों की संख्या में लाडली बहनों भाजपाइयों व समर्थकों के साथ रैली निकालकर नामांकन जमा किया, जहां उन्होंने प्रेस को दिए गए सवालों के जवाब में कहा, छतरपुर जिले में भाजपा के शासन में प्रणाम लहरा विधानसभा में सर्वाधिक विकास हुआ है। भाजपा निरंतर विकास पर विश्वास रखती है, अभी विकास किया है और आगे भी करेंगे। भाजपा के पास विकास का विजन है जो किसी अन्य दल के पास नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व अन्य विकास कार्यों में भाजपा अव्वल है। इस दौरान उनके साथ मंडल अध्यक्ष गिरजा पटेरिया, रवि प्रताप, नीलू सोनी, स्वरूप सिंह, जनपद अध्यक्ष राघव राजा, नगर परिषद अध्यक्ष निशा आनंद सिंह बुंदेला, डॉक्टर रमेश असाटी, सुनील मिश्रा, नाथुराम पन्या, झल्लू राजा, डॉक्टर राजेश शर्मा, मानिक शर्मा, कल्लू विश्वकर्मा, राहुल अहिरवार, सुखदीन प्रजापति, मन्नू कुशवाहा, कोमल साहू, देवेंद्र राय सहित प्रणाम लहरा बक्सवाह भुवारा क्षेत्र की हजारों की संख्या में लाडली बहने भाजपाई व समर्थक शामिल रहे। आज नामांकन दाखिल मैंने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने एक होकर आज नामांकन दाखिल किया है। नाम एक रहता है, परंतु पूरे कार्यकर्ता उसमें समाहित होते हैं। और आज आपने देखा होगा, प्रत्येक बूथ से हमारे कार्यकर्ताओं ने आकर नामांकन दाखिल। अब ये आप लोगों के कैमरे की नज़र में कैद होगा और आप इससे अनुभव लगाइए कि कितने लोग होंगे। अब मैं तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मैं तो बड़ी देर से पैदल ही चलता आ रहा हूँ। विकास हमारा मुद्दा है, कल भी विकास मुद्दा था, आज भी विकास मुद्दा है, कल भी विकास मुद्दा रहेगा। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग भी मलहरा के क्षेत्र में जाइए, जहाँ पर विकास चल रहे हैं, आपके माध्यम से ही लोगों को बताया जा सकता है। और दूसरी बात ऐसे बताई जा सकती है कि हमारे सब पढ़े लिखे लोग छतरपुर जिले में 6 विधानसभाओं में इतना अकेला काम बड़ा मलहरा की विधानसभा में हुआ है, 5 विधानसभा में कई काम नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कहता, ये आपको आंकड़े बताएंगे, विभाग वाइज आंकड़े बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति, सीएम राइज स्कूल, जिसमें छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा यदि सीएम राइज स्कूल कहीं बने हैं तो हमारे बड़ा मलहरा की धरती पर बने हैं। एक सीएम राइज स्कूल की कीमत 35 करोड़ से 37 करोड़ रुपए की। दो स्कूल बनके तैयार हो गए आधे-आधे, एक बड़ा मलहरा का, एक बक्सवाहा का। 5 अभी हमने और स्वीकृत कराए, एक भगवा, एक घुआरा, एक बमनौरा, एक रामटौरिया और एक बमोरी। ऐसे दूरस्थ क्षेत्र थे जहां हमारे छोटे गरीब बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई करने में अक्षम होते थे। आज शिवराज जी ने हमें 5 बड़े और 7 सीएम राइज स्कूल देकर हमारे यहाँ के नौनिहालों को, बच्चों को वो तोहफा दिया है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे ऑनलाइन उन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारी विधानसभा और हमारे इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाने के लिए हमारे बच्चे तत्पर रहेंगे। और वैसे भी आज भी हमारा बड़ा मलहरा शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो, एक दो बच्चे पूरे प्रदेश में टॉप करते हैं, जिसमें हमें गौरव भी प्रदान होता है।